to meet you. Shankit, welcome to Chennai. This is the first time we've... So please install Couchsurfing. This is not a sponsored video from Couchsurfing, but you can use Couchsurfing to connect the local people and know the reality of the city. And so guys, अगर आप भी plan कर रहे हो महाबलीपुरम जाने का, तो जो nearest railway station है वो है चेंगलपट्टू का. तो गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं अपने होटल में वापस. अभी हम गए थे रेल म्यूजियम चेन्नई का, उसके बाद लोकल सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर किया, फिर मैंने बस सर्च किया और बस मिला नहीं, तो लास्ट में मैंने ऊबर किया. ऊबर का जो फेयर था वो 120 रुपीज़ था, मतलब 120 रुपये लग गए 10 किलोमीटर के. तो ये मतलब नॉर्मल था, बस से आते तो 25 से 30 रुपये लगते. और अभी होटल से निकलेंगे हम और चेकआउट करेंगे, और अभी जा रहे हैं एक्चुअली खाना खाने नीचे, खाना खा कर आते हैं और उसके बाद चेकआउट करेंगे होटल को. देन आफ्टर शाम में काउच सर्फिंग से कुछ दोस्त मिलने वाले हैं मीटअप के लिए, तो उनसे मिलेंगे. तो चलिए. सो गाइस खाना वाना कंप्लीट हो गया हमारा, और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं मेरीना बीच के पास, और वहाँ पे मिलने वाले हैं अपने एक काउच सर्फिंग के दोस्त से, तो आपको भी मिलाएंगे. और साथ ही साथ वहाँ पे एक दो म्यूजियम है, जैसे MGR म्यूजियम है और अम्मा म्यूजियम है, उसका भी आपका सैर करवाएंगे. तो चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं MGR म्यूजियम और अम्मा म्यूजियम के पास, तो आपको सबसे पहले म्यूजियम थोड़ा दिखा देते हैं, उसके बाद जैसे ही हमारे दोस्त आते हैं तो उनसे मिलवाते हैं. तो चलिए तब तक आप म्यूजियम का सीन देखिए थोड़ा. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And तो गाइज राइट नाउ अभी हम चेन्नई में हैं, और जैसा कि आपको बताया था कि अभी CS एक मतलब हैंग आउट ट्राई किए थे, तो मिले प्रदीप भाई. मीट प्रदीप भाई, इज फ्रॉम चेन्नई. एंड प्रदीप भाई बताइए. या नाइस टू मीट यू शानकित, वेलकम टू चेन्नई. इट्स द फर्स्ट टाइम वी मीटिंग यू हियर, एंड एनी अदर स्पेशल थिंग और मुलाकात हो गई हम दोनों की, और अभी आए हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने. और ये देखिए अभी डोसा आ गया है, अभी इसको खाते हैं. और ही इज अ वेरी गुड मैन एंड वेरी गुड. थैंक्स ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग. और ऐसे ही आप लोग भी आते रहिए और Couchsurfing पे ट्राई कीजिए. Couchsurfing इज ए गुड मीडियम टू कनेक्ट इन पीपल, तो प्लीज़ इंस्टॉल Couchsurfing. दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो फ्रॉम Couchsurfing, बट यू कैन यूज Couchsurfing टू कनेक्ट द लोकल पीपल एंड नो द रियलिटी ऑफ द सिटी एंड नो द कल्चर ऑफ देयर सिटी. सो गाइज फाइनली अभी हम अपने Couchsurfing के दोस्त के साथ मिलिए, जैसा कि वीडियो में आपने देखा भी होगा. और अभी उन्हीं के बाइक से जा रहे हैं हम लोग रंगनाथन स्ट्रीट. रंगनाथन स्ट्रीट जो है, जो कि चेन्नई का लार्जेस्ट स्ट्रीट है, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा मार्केट लगता है. तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं रंगनाथन स्ट्रीट के पास, और वहाँ पे आपको स्ट्रीट का नज़ारा दिखाते हैं. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल. तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में. अभी हम आ चुके हैं चेंगलपट्टू जंक्शन पे, जो कि चेन्नई से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है. और कल रात को हम चेन्नई से एक ट्रेन पकड़ के आ गए थे चेंगलपट्टू जंक्शन पे, और यहाँ पे भी बैठे हुए हैं वेटिंग हॉल में. तो कल सुबह की हमारी बस है चेंगलपट्टू से महाबलीपुरम के लिए. महाबलीपुरम जो है
वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, वहाँ पे एक टेम्पल है, साथ ही साथ बीचेज हैं और भी कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो चलिए अभी चलते हैं हम चेंगलपट्टू से महाबलीपुरम। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप महाबलीपुरम कैसे पहुँच सकते हो और चेंगलपट्टू से महाबलीपुरम तक का सफ़र दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है वेटिंग रूम चेंगलपट्टू स्टेशन का। सो गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं चेंगलपट्टू के बस स्टैंड पे और यहाँ से 508 नंबर बस जाती है, अभी एक भाई साहब ने बताया। तो अभी 7:45 की बस है, अभी हो रहा है 7:30। तो अभी मैंने ले लिया है एक दर्जन केला और ये जो पड़ा है 50 रुपीज़ का पड़ा है, तो थोड़ा सा कॉस्टली है, ऐसे भी बस स्टैंड में कॉस्टली ही होता है। तो सुबह सुबह का टाइम था तो ले लिए हैं और अभी 508 नंबर बस आएगी, उससे हम लोग जाएंगे महाबलीपुरम। तब तक आप वीडियो में आगे बने रहिए। सो गाइस अगर आप भी प्लान कर रहे हो महाबलीपुरम जाने का तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है चेंगलपट्टू का और यही चेंगलपट्टू का बस स्टैंड है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ आपको रीजनल लैंग्वेज में मिलेगा, मतलब कि तमिल में मिलेगा, जितना भी लिखा हुआ है बस पे या फिर बोर्ड पे वो सब तमिल में है। तो एक अच्छी बात यह है कि लोग इंग्लिश थोड़ा समझते हैं, बोल तो नहीं पाते बट समझ लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अभी मैंने पूछा है कन्ना से तो उन्होंने बता दिया कि 508 नंबर बस जाएगी वहाँ पर। बाकी स्ट्रीट वेंडर जो हैं वो लोग नहीं बोल पाते हैं इंग्लिश, तो किसी और से आप कम्युनिकेट करके उनसे अपना जो भी मैटर है वो कर सकते हैं। तो चलिए अभी वेट करते हैं बस का। सो गाइस फाइनली हमारी बस चेंगलपट्टू से निकल चुकी है महाबलीपुरम के लिए और जो बस का कॉस्ट आया वो मात्र है 25 रुपीज़। तो चलिए अभी आपसे मिलते हैं महाबलीपुरम में। सो गाइस फाइनली एक घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच चुके हैं महाबलीपुरम में और ये जो आप पीछे देख रहे हो ये है महाबलीपुरम का बस स्टैंड और अभी यहाँ से जाने वाले हैं महाबलीपुरम मंदिर में। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे, जैसा कि आप पीछे देख सकते हो। सो गाइस बस स्टैंड से सोर टेम्पल की दूरी अप्रॉक्स 700 मीटर है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं सोर टेम्पल के पास और वहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट है जो कि हेरिटेज है, ग्रुप ऑफ हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और ये महाबलीपुरम के मार्केट का सीन है, मतलब जो रोड जाती है हेरिटेज मॉन्यूमेंट के पास उसका और ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए अभी उधर मिलते हैं आपसे। सो गाइस फाइनली एंटर कर चुके हैं महाबलीपुरम के कैंपस में और सोर टेम्पल जाने के लिए आपको एक एंट्री टिकट लगेगा जिसका फेयर है 40 रुपीज़, बट अगर आप ऑनलाइन करोगे तो आपको 35 रुपीज़ में मिल जाएगा, 5 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। आपको सिंपली क्यूआर कोड स्कैन करना है, अपना नाम और पैन नंबर या फिर कोई भी एक आईडी प्रूफ डाल के पेमेंट कर देना है, यूपीआई वॉलेट जो भी आपके पास हो। और अगर आप ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हो तो यहाँ पे एक्चुअली अभी काउंटर खुला नहीं है, तो लोग यहाँ पे ब्लैक में टिकट दे रहे हैं, मतलब एक टिकट का 50 रुपीज़ बोल रहे हैं, मतलब 15 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। तो यही कुछ सीन।